गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ड्राइंग में, अल्फाबेट ड्राइंग में आज हम W से वॉच एंड X फॉर जाइलोफोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे आज हम अल्फाबेट ड्राइंग में, क्या बनाएंगे बच्चों? W फॉर वॉच एंड X फॉर जाइलोफोन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? W फॉर वॉच बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगी? W फॉर वॉच। तो WWATCH वॉच। क्या बनाएंगे बच्चों W से? वॉच। तो वॉच बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक W बनाएंगे, ठीक है? आप भी इसी तरीके से एक लाइन करिएगा, उसके बाद सेकंड लाइन करिएगा और फिर W बना दीजिएगा इस तरीके से जैसे मैंने बनाया, ठीक है? आपका W बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से लेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे बच्चों? स्क्वायर बनाएंगे इसी तरीके से। आप प्रॉपर स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है? स्क्वायर शेप में आपने स्क्वायर बना लिया, ठीक है? अब क्या करोगे? स्क्वायर बन गया। अब आप क्या करोगे देखिए, अब आप देखिए जो आपकी वॉच होती है उसमें ये जैसे जो बेल लटक रही होती है, अब आप बेल बनाओगे। तो क्या करोगे आप देखिए, इस तरीके से जो W है उसमें से एक ऐसे सीधी लाइन करोगे, एक ऐसे सीधी लाइन करोगे और उसको सर्कल बना लोगे, ठीक है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर्स लिखेंगे अपनी क्लॉक में। तो 12, उसके बिल्कुल नीचे 16, 6, बीच में आप एक बिंदु बना लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा, उसके इस साइड 3 और इस साइड 9, ठीक है? अब आप 1, 2, 4, 5, 7, 8, फिर 10 and 11 लिख लिया आपने। अब आपकी वॉच बन गई, आपकी वॉच में 3 हो रहे हैं, आप 3 कर लीजिए और ये जो आपकी हल्की वाली जो सुई होती है ये सबसे छोटी वाली सुई, ठीक है? तो अब आपकी जो वॉच है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है? चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वॉच पर कलर करेंगे। तो वॉच पर कलर करना स्टार्ट करें। चलिए तो बच्चों हम हमारी वॉच में कौन कौन से कलर फिल कर रहे हैं एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है? कि आप अपनी वॉच में कौन कौन से कलर फिल कर रहे हो। आप ब्लू कलर फिल कर रहे हो, आप येलो कलर फिल कर रहे हो, आप ऑरेंज कलर फिल कर रहे हो और आप ब्लैक स्केच से आउटलाइन करोगे और नंबर्स लिखोगे, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वॉच में येलो कलर फिल करते हैं, ठीक है? कौन सा कलर फिल करोगे आप सबसे पहले? येलो कलर, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही साफ साफ करना है, ओके? तो बच्चों देखिए कि हमारा जो येलो कलर है वो फिल कर लिया हमने। अब हम ऑरेंज कलर फिल करेंगे, जो हमारी ये नीचे वाली जो W जिस जहाँ हमने बनाया है वहाँ हम कौन सा कलर फिल करेंगे बच्चों? ऑरेंज कलर फिल करेंगे, ओके? चलिए करिए इसी तरीके से आराम आराम से, ओके? एक साइड से ही साफ साफ और सुंदर कलर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है? ताकि जो कलर हैं वो अच्छे लगे, ठीक है? तो ऐसे हो गया यहाँ पर भी येलो कलर। अब आप क्या करोगे, अब जो आपने वेल बनाई है उसमें आप ब्लू कलर फिल करेंगे। कौन सा? ब्लू कलर, ठीक है? करिए इस तरीके से आराम से फिल। पहले आप जिससे जो बना रहे हो उस पर आउटलाइन कर लिया करिए ताकि आपका जो कलर है वो बाहर ना निकले, ठीक है? अब आप इस पर कौन सा कलर फिल कर रहे हो? ब्लू। चलिए ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप ब्लैक स्केच से क्या करोगे? नंबर्स लिखोगे। तो पहले आप बीच में एक पॉइंट बनाओगे, उसके बाद आप यहाँ पर 12 लिखोगे,
फिर यहाँ पर आप 6 लिखोगे, फिर यहाँ पर आप 3 लिखोगे और यहाँ पर आप 9 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप डालोगे 1, 2, 3 तो डाला हुआ है, 4, फिर 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप वॉच में जो आपकी घड़ी में क्या होती है, सुई होती है, अब आप वो बनाओगे। तो देखिए अब हम इसमें 3 बना रहे, 3 बज रहे हैं, तो आप 3 में बना लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपकी वॉच में एक पतली वाली जो सुई होती है, 3 सुई होती है ना, अब एक जो हल्की वाली सुई होती है आप वो भी बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो बच्चों देख सकते हैं जो आपकी वॉच है वो रेडी हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस पर स्केच से आउटलाइन कर दोगे। चलिए करते हैं इसी तरीके से, सब बच्चे अपने साफ साफ और सुंदर तरीके से आउटलाइन करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से सभी बच्चे, चलिए डब्लू वाली जगह बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद ये जो बैल वाली जगह है उसको भी बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो आपकी वॉच है वो रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही है हमारी वॉच, अच्छी लग रही है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स फॉर ज़ाइलोफ़ोन बनाएंगे, ओके। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स फॉर ज़ाइलोफ़ोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, अब हम एक्स फॉर ज़ाइलोफ़ोन बनाएंगे। चलिए तो सीखते हैं कि हम एक्स फॉर ज़ाइलोफ़ोन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, हमें सबसे पहले एक एक्स बनाना है। चलिए बनाते हैं, तो एक्स आप जानते हो कैसे बनाते हैं, पहले हम एक लाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और फिर एक लाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, एक्स बन गया, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ये वाली लाइन हमने इतनी बड़ी की थी, इससे थोड़ी छोटी लाइन करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी छोटी लाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्लैंटिंग लेकर, स्लैंटिंग लाइन लेकर इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। इस साइड से भी इस तरीके से कर देंगे, थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन लेकर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब देखिए अब हम इस पर इस तरीके से लाइन बनाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप भी बनाते जाइए इस तरीके से, सीधी लाइन बनाते जाइए, ठीक है, आप भी इसी तरीके से बनाते जाइए। तो बच्चों देखिए जो हमारा ज़ाइलोफ़ोन है वो तो बन चुका है, ये देखिए ये सर्कल भी बन चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो ब्लैक वाले जो पॉइंट है अब हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो सब बच्चे इसी तरीके से अपने अपने जो कॉर्नर्स होंगे उनमें क्या बनाएंगे, ब्लैक पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हो कि आपका जो ज़ाइलोफ़ोन है वो बन चुका है, क्या हो चुका है, आपका जो ज़ाइलोफ़ोन है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़ाइलोफ़ोन पर कलर करेंगे, ओके। तो आपको पता है जो ज़ाइलोफ़ोन होता है वो मल्टी कलर मतलब कलरफुल होता है, कैसा होता है, मल्टी कलर का होता है, मतलब कलरफुल होता है। तो जितने ये हमारे ज़ाइलोफ़ोन के बॉक्स हैं हम उनको अलग अलग कलर से फिल करेंगे, ओके। तो चलिए बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं, कौन सा कलर फिल कर रहे हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। और आप भी कोई सा भी अच्छा सा कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, हमें अलग अलग बॉक्स में अलग अलग कलर करना है ना, तो हम इसीलिए अलग अलग कलर फिल कर रहे हैं, ओके। देखिए अब मैं सेकेंड बॉक्स में कर रही हूँ रेड कलर फिल, ठीक है, कौन सा कर रही हूँ, रेड कलर फिल कर रही हूँ मैं सेकेंड बॉक्स में,
आपको भी जो अच्छा लगे आप वही कलर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं स्काई ब्लू कलर फिल कर रही हूं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से पहले आप लाइन कर लीजिएगा, उसके बाद कलर फिल करिएगा ताकि जो कलर है वो फैले ना। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूं। अब हम कौन सा कलर फिल करेंगे? अब हम येलो कलर फिल करेंगे। ठीक है, तो वही पहले लाइन कर लेंगे एक, ताकि जब हम कलर करें तो वो फैले ना इधर उधर। ठीक है, करते जाइए, एक साइड से ही करना है सबको कलर, दूसरी साइड से यूज नहीं करना है। अब क्या करेंगे? अब हम ब्राउन कलर फिल करेंगे। कौन सा कलर फिल करेंगे? ब्राउन कलर। ठीक है, वही लाइन तो मैंने आपको बताया है, पहले लाइन कर लीजिए उसके बाद कलर, करते जाइए करते जाइए। मल्टी कलर का होता है ना, तो सारे कलर फिल कर देंगे हम इसमें। ठीक है, अब हम कौन सा कलर फिल करते हैं? अब हम बच्चों करेंगे पर्पल कलर, मतलब जो हमारा डार्क ब्लू वाला कलर जो होता है वो, मतलब बैंगनी। ठीक है, इसमें भी पहले लाइन कर लीजिए, मैं भूल गई यहाँ पर लाइन करना, फिर आप करते जाइए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करेंगे स्काई स्किन कलर। ठीक है, देखिए आप लोग भी इसी तरीके से करते जाइए कलर। चलिए अब हम कौन सा कलर करेंगे बताइए बताइए। अब हम स्काई ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम डार्क ग्रीन करते हैं। ठीक है, कौन सा कलर करेंगे? अब हम डार्क ग्रीन कलर करते हैं। अब बताइए आप कौन सा कलर करें? अब हम रेड कलर करते हैं। चलिए, चलिए अब हम करते हैं ऑरेंज कलर। कौन सा कलर बच्चों? ऑरेंज कलर। अब एक कलर रह गया है, बताइए कौन सा कलर करेंगे? अब हम बोलिए, अब हम करते हैं, बताइए बोलिए कौन सा कलर करेंगे? अब हम ब्लू कलर। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं ब्लू कलर करना। तो देखिए हमने जो हमारा जाइलोफोन था उसमें हमने अलग अलग तरीके के कलर फिल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ब्लैक स्केच से आउटलाइन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक स्केच से आउटलाइन करना। तो पहले हम ये वाली जो लाइन है इनमें हम ब्लैक स्केच से आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है। अब यहाँ पर भी हम जो हमारे सर्कल है उसको भी ब्लैक कलर से कर देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम पहले ये वाली जो लाइन है इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए इधर से भी कर लीजिए, अब इस साइड से भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम तो ये बीच बीच में जो लाइन थी उनको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है, सुंदर सुंदर रंग से कर दीजिए फटाफट 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 से, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करनी है, ओके। देख सकते हैं ना आप, जैसे मैंने करी है वैसे ही आपको भी करनी है। अब हम ये पॉइंट बना देते हैं। तो बच्चों देखिए जो हमारा जाइलोफोन है वो अच्छा लग रहा है ना। तो आज हमने क्या सीखा है बताइए आप, W फॉर वॉच बनाना सीखा है एंड X फॉर जाइलोफोन बनाना सीखा है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में W फॉर वॉच बनानी है एंड X फॉर जाइलोफोन बनाना है। चलिए एक बार मैं आपको दोनों की फोटो दिखा देती हूँ कि वो कैसे। तो बच्चों देखिए W फॉर वॉच एंड X फॉर जाइलोफोन, आज हमने क्या बनाया है, W फॉर वॉच बनाई है एंड X फॉर जाइलोफोन बनाया है। अब बताइए कैसे लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में अल्फाबेट ड्राइंग में W फॉर वॉच एंड X फॉर जाइलोफोन बनाना है, ओके। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में W फॉर वॉच एंड X फॉर जाइलोफोन बनाना है, ओके। चलिए गुड बाय।